हेलो गाइस, मेरा नाम है सरफराज और मैं मैकमे सलोन के लिए काम करता हूँ। आज हमारे साथ एक जेंटलमैन जिनके हेयर काफी कर्ली है, काफी मैसी है, मतलब कर्ली है यू नो, थोड़ा फ्रिजी होते हैं, ड्राई होते हैं। सो उनको उनकी मेन प्रॉब्लम है कुछ भी स्टाइलिंग नहीं होता है। सो हम उनको आज ऐसा एक ऐसा स्टाइल करके देने वाले हैं जो बहुत ईजी टू मेंटेन हो, और अगर वो ज्यादा स्टाइलिंग ना करे, ज्यादा एफर्ट ना डालें तो भी अच्छा दिखे। सो आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करूंगा मैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, ये है मेरे क्लाइंट के पी फॉर हेयर और मेकओवर शुरू किया जाए। स्टार्ट करेंगे विद द सेक्शनिंग, सेपरेट कर लेंगे है जो हमें एकदम शॉर्ट करने हैं। स्टार्ट करेंगे विद द क्लिप अप नंबर 3। इससे इजी हो जाता है हमें फेडिंग के लिए, लाइन बनाने के लिए। So all the big hair remove. Now zero, जो हम उससे लाइन बना लेंगे अपनी, जो हमें जीरो करनी है सेम दोनों साइड से। एंड फिर हम जो एक्स्ट्रा हेयर है पूरे रिमूव कर देंगे, नाइसली क्लीन करके अपनी लाइन्स को रिमूव। उसके बाद एक नंबर लेंगे एंड ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। फेडिंग में ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है। जीरो नंबर, सॉरी 0.5 नंबर एंड विल ब्लेंड द लाइन, जैसा कि हम बता रहे थे और आप लोगों को भी बहुत लोगों सबको पता है लाइन ब्लेंड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फेड अच्छा नहीं लगता है। तो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा कि हम कैसे करते हैं। हम लोग बहुत ध्यान देते हैं इस पर, आई एम श्योर सब देते होंगे, बट इट्स ऑल अबाउट लाइक ब्लेंडिंग द लाइन नाइसली। उसके बाद सीजर ओवर कॉम लेके थोड़ा सा और ब्लेंडिंग जो भी एक्स्ट्रा है रिमूव कर देंगे। एंड मेंस हेयर कट में हेयर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इट्स मोर देन 80% द हेयर लाइन। उसी से हेयर कट बहुत शार्प दिखता है, तो एक्स्ट्रा से अटेंशन दीजिए हेयर लाइन्स को एंड देखिए कि कितना बेटर लगता है आपका हेयर। एंड ऑल्सो फॉर द नॉन हेयर ड्रेसर व्यूअर्स, आप करने दीजिए आपके हेयर ड्रेसर को, ट्रस्ट कीजिए उन पर, आपका हेयर कट बहुत अच्छे से होगा। सो आगे बढ़ते हैं, ओपन करते हैं अपना टॉप सेक्शन एंड उसको थोड़ा मॉइस्चराइज करते हैं। जैसा कि सबको पता है कर्ली हेयर बहुत ड्राई और फ्रिजी होते हैं, उनको प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। सो मॉइस्चर केक अप्लाई करेंगे हम एंड स्टार्ट करेंगे फिंगर कटिंग से। लेंथ सबकी अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं, आप लोग अपने क्लाइंट के लिए। हम लोग थोड़ा बैक में शॉर्ट करके फ्रंट में थोड़ा लॉन्ग कर रहे हैं, जिससे उनको अच्छे से स्टाइलिंग करने में इजी रहे। एंड बाद में विद द थिनिंग सीजर थोड़ा जो हैवीनेस है वो रिमूव कर देंगे। थिनिंग सीजर भी इम्पोर्टेंट होता है अगर आप अच्छे से करो तो। एंड अभी आते हैं बियर्ड की तरफ। सो बियर्ड को नंबर 1 से ब्लेंड करेंगे अच्छे से। सबका अपने हिसाब से एड्रेसेस और क्लाइंट चूज कर सकते हैं। इनका हम साइड में थोड़ा शॉर्ट करें जस्ट टू क्रिएट अ शार्प लुक, बिकॉज उसका बियर्ड भी काफी कर्ली है, ज्यादा बड़ा तो वो रखेंगे नहीं, मीडियम में वो अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छे से ब्लेंड करेंगे लाइन, दूसरी साइड से भी सेम। जैसा कि सबको पता ही है लाइनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जितनी शार्प लाइन होगी उतना ही अच्छा लुक आएगा, चाहे वो बियर्ड हो चाहे वो फेडेड हेयर कट हो। सो रेजर के साथ हम लाइन बना देंगे अच्छे से एंड देयर वी गो। स्टार्ट करते हैं
अपने क्लाइंट का स्टाइलिंग। सो ब्लो ड्राई करेंगे, मॉइस्चर केक हमने अप्लाई किया ही था पहले से, ब्लो ड्राई करेंगे अच्छे से नाइसली विद द राउंड ब्रश। नीट बनाने के लिए, और हम साथ में एक्सप्लेन भी कर रहे हैं क्लाइंट को कि कैसे वो घर पे स्टाइल कर सकते हैं उनका हेयर, सो बाद में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कैसे स्टाइल करना है और कैसे रख सकते हैं वो। सो हियर इज द फाइनल लुक गाइस, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आपको। सो इट्स अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द हेयर कट एंड द बियर्ड, होप यू गाइस लाइक इट। Thank you so much. Okay guys, so that was the video. Comment करके बताइए कैसा लगा आपको haircut. और if you like the haircut, please hit the like button and subscribe to our channel. नए हैं यार, support करो. And आप लोग आ सकते हैं हमारे salon में. We are in Makme salon in Navi Mumbai. मैं number सही कर दूंगा. और आप हमें, अगर आपको कुछ भी हेयर और स्किन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। ओके, टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।